किशन पटवारी, सत्यवान पटवारी, केशव कलमीर, केशव कलमीर, किशन पटवारी, किशन पटवारी, अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? केशव कलमीर, केशव कलमीर, सत्यवान पटवारी, केशव कलमीर, केशव कलमीर, किशन पटवारी, किशन पटवारी, अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? केशव कलमीर, केशव कलमीर, केशव कलमीर, किशन पटवारी, किशन पटवारी, किशन पटवारी, सत्यवान पटवारी, सत्यवान पटवारी, अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? हमारी जांच कैसे हो? हमारी जांच कैसे हो? नमस्कार, सिटी तालका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और पानीपत के जिला लघु सचिवालय से इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां संभालका के गांव हतवाला से ग्रामीण आज जिला सचिवालय लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से काले झंडे हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारियों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कारण है कि ये आज इतनी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? अधिकारियों पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं वो जिला लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन ये यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं कि काले झंडे इन्होंने ले रखे हैं और अधिकारियों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ मांग है, क्या कारण है, किस लिए ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए जमीन का इनका विवाद है, कोई मामला है जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो अभी तक जो जानकारी है ये बताया जा रहा है कि गांव में जमीन की चकबंदी को लेकर इनका ये प्रदर्शन है और पिछले पहले भी इन्होंने प्रदर्शन यहां पर किया था। क्या कुछ कारण है वो इनसे जानेंगे। क्या नाम है, कहां से आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? हम सभी जो किसान हैं वो गांव हतवाड़ा तहसील समाड़का से आए हैं और एक गाँव के है ना 90% पीड़ित किसान आपके द्वार पे आए हैं और आपके माध्यम से हम तो जो हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंच रही है उसके लिए हम पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आपके माध्यम से ही पहले 23 तारीख को हमने गांव में अपना प्रदर्शन किया था, जिसकी आवाज सुन करके प्रशासन ने एक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ फॉर्मेलिटी करते हुए फौरी तौर पर एक जांच कमेटी नियुक्त की है। ये वही जांच कमेटी है जिसके पास पहले ये गाँव जा करके अपनी शिकायतें दे करके परेशान हो चुका है और पहले हुआ कुछ नहीं। आज ये किसान सेक्रेटरिएट में इसमें पानीपत इसलिए आए हैं कि डीसी सर को हम अपना ज्ञापन देंगे कि जो हमारी जो जांच इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, चकबंदी के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसकी जांच किसी सक्षम एजेंसी से सीबीआई से कराए या विजिलेंस से कराए वो सरकार को देखना है। कि हम तो ये चाहते हैं कि इसमें जांच अच्छे तरीके से होकर के भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालें और इस किसानों को न्याय दें। क्या लगता है आपको गलत तरीके से चकबंदी की गई? इसे गलत तरीका नहीं बोलते जी, ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है और उस अधिकारी के द्वारा खेला गया है जिस अधिकारी ने पिछले पूर्व में एक गाँव में इसी एसीओ दलबीर ने मुर्दाबाद किशन पटवारी तमाम जो
जो ग्रामीण है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है झंडे क्यों लिए हैं कल? झंडे सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए लेके आए हैं। एसीओ दलवीर सत्यवान पटवारी और किशन पटवारी ने मिलकर के गाँव में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। 90% किसानों की जमीनों को 5% लोगों के हक में भर दिया गया है, और आज भी जो जाँच के लिए बुलाया गया है सिर्फ गाँव में से एक आदमी को के पास फोन किया गया है कि जांच के लिए आओ, जबकि पीछे 23 तारीख को भी हमने गांव में प्रदर्शन किया था, आप लोगों ने कवरेज किया था उसका भी, उसके बावजूद भी इन्होंने सिर्फ जांच के लिए एक ही आदमी को फोन करके बुलाया। इसलिए हम सारे इकट्ठे होकर आए थे कि भाई सबसे जो आश्चर्य की बात यह है कि ये गांव पूरा परेशान है, लेकिन इस जांच कमेटी के द्वारा एक आदमी को फोन करके गांव में एक आ गया कि आप अपना पक्ष रखें। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या एक आदमी पूरे गांव का पक्ष रख सकता है? यहीं से इनकी मनसा साफ हो जाती है कि ये इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी जो जांच है, हमारी जाँच सक्षम एजेंसी से आप कराएं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारी चकबंदी जिस अधिकारी ने की है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हम लगा रहे हैं, उस अधिकारी ने अमृतपुर कैराड़ी खुर्द में और कला में पूर्व में चकबंदी का कार्य किया था, वहां पर भी उसके खिलाफ विजिलेंस करनाल ने भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की हुई है 420 467 सभी धाराओं के अंदर। और उसने उस एफआईआर की वजह से पहले ही वीआरएस ले ली नौकरी से, और इसके बावजूद इस चकबंदी विभाग ने उस हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि उस अधिकारी को हमारे चकबंदी का इतना महत्वपूर्ण काम सौंप दिया कि ताकि इन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। पहले भी आप कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं, लगता है गांव में इस विवाद से तनाव बढ़ सकता है? बस जी, अब तो ना जी लास्ट लड़ाई आ गई। अब तो हम पहले तो अपने सांसद संजय भाटिया जी का धन्यवाद करता है ये गाँव, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हमें उम्मीद है वो अपने संजय भाटिया जी से ही है कि उन्होंने जब हमने अब इस भ्रष्टाचार की बातें उनके सामने रखी तो उन्होंने माननीय एफसीआर साहब को फोन कर करके इस भ्रष्टाचार पर रोक लगवाई पहले तो। लेकिन अब हम उनसे भी बोलना चाहते हैं कि इन किसानों की जो सब्र की जो सीमा है वो टूट रही है। अब ऐसा ना हो कि गांव में तनाव ही नहीं, जैसे यूपी के में सोनभद्र में मारकाट हुई थी, यहाँ हथवाड़ा गाँव में उससे भी ज्यादा बड़ी मारकाट की घटना हो गई। आज एक आपको बुलाया गया यहाँ पर? नहीं, बुलाया गया है तो एक किसान को बुलाया। जब हमें पूरे गांव को ये पता लगा कि भी एक ही आदमी को बुलाया है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर आया है, क्योंकि हम इस जांच को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको जेल में डलवाएंगे और सक्षम एजेंसी से हमारी जाँच कराए। और हम सबसे हमारी डिमांड है कि सीबीआई से जाँच कराई जाए, अगर पॉसिबल है सीबीआई से जांच करें, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। 95% गांव को बर्बाद करने की इतनी बड़ी साजिश रची गई है और 5% आदमियों को सारी जमीन दे दी गई। हमारे बड़ों को 30 साल हो गए रिवेन्यू दफ्तर के धक्के खाते हुए चंडीगढ़, और एक साल पहले हमारे हाथ में जब कापियां बटी, हम तो बड़े वाले आदमी ये सोच रहे भाई इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है, इतनी जमीन कौन छीन लेगा हमारी। लेकिन पता लगा कापियों में जमीन छीनी जा चुकी है, कागजों में जमीन छीन चुके हैं, अब तो बस कब्जे बाकी हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन जमीन पर अपने जिंदा रहते पैर रखन नहीं देंगे। किसी को भी ये बात कान खोल कर सुन ले, जोन से भी है सोच रहे हैं ना कि हमारे नाम जमीन चढ़ जाएगी, हम बहुत जमीन बोलेंगे, पैर नहीं रखन देंगे पैर भी। बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा आपको? हम सबसे पहले तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि ये भ्रष्ट अधिकारियों के साथ जिन 5% लोगों ने ये भ्रष्टाचार का खेल खेला है, उनके हम चाहते हैं कि इनके खातों की जांच हो भ्रष्ट अधिकारियों की, उनसे पता लगेगा कि कितने करोड़ों का यह खेल है। उनकी कॉल रिकॉर्ड जो हमारे गांव के कुछ दलाल हैं, 4-5 दलाल हैं जिनको माध्यम से इन्होंने गांव के लोगों को लूटा है, पैसा लिया है, वो ये सारा जो न्याय है हमें सीबीआई ही दे सकती है। ये लोगों से कहां गलत मानते हैं? किन अधिकारियों को जिनकी बात कर रहे हो आप? जो भ्रष्ट अधिकारी है या जो जांच कमेटी के अधिकारी है जिनको आप भ्रष्ट बता रहे हैं, कहां गलत मानते हैं? अरे उन्होंने तो सारा ही भ्रष्टाचार कर रखा, गलत नहीं है। उन्होंने तो जो इस गाँव का हिस्सेदार भी नहीं है उसको 30-30 किले अलॉट कर दिया। उसके सबूत के साथ हमने कॉपी एडीसी वो अपने अमना तस्लीम मैडम जी, एनडीएलआर मैडम है पंचकूल है, उनको बाई प्रूफ हम सारे रिकॉर्ड दे के आए हैं महकमे के द्वारा बनाए गए, जिनमें इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, वो सबूत हमने साथ में अपनी एप्लीकेशनों में लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इन भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पता नहीं इनकी जड़ें कितनी गहरी है। आज किनके द्वारा बुलाया गया था यहाँ पे? हमें नहीं बुलाया गया जी, नहीं बुलाया गया। किसी को नहीं, इन्होंने तो फॉर्मेलिटी करने के लिए एक आदमी को फोन कर दिया, भाई आपकी जांच है। ये एडीसी ऑफिस यहीं से गया था, डीसी ऑफिस से एक हमारे किसान है, मेरे चाचा लगते हैं रामपाल जी, उनको फोन कर दिया जी आपकी जांच है आप आ जाओ। बस इन्होंने ये कह के अपना काम खत्म कर दिया, ना किसी को
एक प्रणाली होती है किसी को नोटिस देने की, जब गांव पीड़ित है, गांव प्रदर्शन कर रहा है, तो पटवारी है, गांव में चौकीदार होते हैं, चौकीदार के माध्यम से गांव में मुनादी कराते कि आपकी जांच आई हुई है, जिस भाई को भी कोई दिक्कत है, किसान पीड़ित है, उस जांच में शामिल होकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामदिया त्यागी जी। तो देखिए, गांव हथवाला से ये ग्रामीण पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों के ऊपर भी इनके द्वारा जो है साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज जो है ये पहुंचे हैं जिला लघु सचिवालय में और प्रदर्शन ये करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के प्रति भी इनमें रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, तमाम जो ग्रामीण है वो पहुंचे हुए हैं जिला लघु सचिवालय से। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम गांव हथवाला के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हाथों में काले झंडे इनके आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और अधिकारियों पर साफ तौर पर इनकी ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे एक बार और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितनी जमीन का ये मामला है और कब से ये मामला चल रहा है। ये बताइए, कितनी जमीन है, कितना विवाद है? 2106 जमीन है जी। 2106 किल्ले एकड़ जमीन है जी। नहीं, पहले नहीं, तो पूरे का कर देने उन्होंने 2100 जमीन करे जी। बंदर बाट कर दी उन्होंने जमीन, ना ट्यूबवेल दी, जिसकी जितनी जमीन आवा सब इधर से उधर, मान लिया 2 किल्ले आ रहा तो 1 बीघा कहीं दे दी, 1 बीघा कहीं दे दी, इस तरह से पूरे गाँव खिंडा दिया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 12 साल तक, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि जिस पर 12 साल तक कब्जा है, मालिका ना कुछ ही गया। हमारे तो 5-5, 6-6 पीढ़ी बीत चुकी हैं और हमें अब बेघर कर दिया गया। हमारे घर भी किसी और के भर दिए हैं, हम तो घर से बेघर कर दिया, जमीन तो घोस ली हमारी और घर से बेघर भी कर दिए हैं, हमारे घर भी किसी और के भर दिए। भाई कह रहे हैं ना कि 5-6 पीढ़ी का रिकॉर्ड है, वो तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से रहे, 1000 साल से हो रहे। हमारा गाँव 1400 साल से बसा हुआ, जिसका पोथी होती है ना बाटो के पास, उसका सारा रिकॉर्ड है, लेकिन ये तो 4-5 पीढ़ी से रिकॉर्ड सरकार के पास भी है, फिर भी जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, बताओ कितने चाले की बात है। तो साफ तौर पर देखिए, प्रदर्शन इनकी तरफ से जहां किया जा रहा है तो आरोप अधिकारियों के ऊपर भी और कुछ लोगों के ऊपर इनके साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जमीन का ये विवाद है, चकबंदी का जो ये मामला है, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिला लघु सचिवालय की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। गाँव हथवाला की ये ग्रामीण है जो आज जिला लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और इनका आरोप है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मांग है कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच की जाए। जांच अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो गांव हथवाला के ग्रामीण है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।